आज तक की सबसे ज़्यादा लंबी जो गाड़ी है वो 33.5 फीट लंबाई के साथ हमने बनाई है, बिहार मुजफ्फरपुर की अमरजीत कुमार की ये भाई साहब की गाड़ी है और बहुत ही खूबसूरती ढंग के साथ हमने 49-25 का काम किया है। तो सारा ही काम आपको गाड़ी का जो किया हमने वो पूरा इस वीडियो में हम दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। यहाँ पर देखते हो टाटा 49-25 बिल्कुल लेटेस्ट BS6 मॉडल में आपके सामने खड़ी है और पूरी बखूबी ढंग से हमने यहाँ पर बॉडी का काम, कैबिन काम किया है और सबसे मेन बात इस गाड़ी में 33 फिट लंबाई प्लस 32 फिट जैसे थी 1.5 फिट हमने बढ़ाया है, 33.5 फिट लंबाई के साथ हमने ये गाड़ी तैयार की है। बॉडी का हम आपको पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम लास्ट में आपको कैबिन का इंटीरियर बताएंगे। कैबिन में हमने बिल्कुल लेटेस्ट 3D नेचुरल कलर के साथ हमने जो सनमाइका का काम किया है, अंदर बॉक्सिंग का काम, वो आपको लास्ट में हम दिखाएंगे। सबसे पहले ये फ्रंट है गाड़ी का, वो यहाँ पर स्टील वर्क का काम देखते हो, बहुत ही यूनिक और हैवी स्टाइल के साथ स्टील वर्क सारा हुआ है। मेन बात ऊपर देखते हो माता रानी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और गुड्स कैरियर ऑल ओवर इंडिया परमिट मिलेगा मुकद्दर। साथ में यहाँ पर देखो स्टील बैजिंग, माथा जो सारा है वो सारा स्टील का काम हुआ है। रही बात यहाँ पर फ्रंट मिरर है, 1.5 इंची रबड़ के साथ हमने हैवी मिरर डाले हैं। रबड़ की मैं गारंटी लाइफ टाइम की देता हूँ, रबड़ नहीं गाड़ी की यहाँ पर शीशे कटी, कई बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रबड़ कट जाती है या कैबिन की चकिंग की आवाज़ आती है। तो उसमें होता है हम एंगल फ्रेम के साथ कैबिन बनाते हैं 6 mm एंगल का और 45 mm के साथ। रही बात उसके ऊपर बाबुल की लकड़ी और शीशों की लकड़ी, दोनों में से आप कोई भी भरवा सकते हो, ये सारा काम गिल ट्रक बॉडी बिल्डर का रहता है। रही बात सामने, यहाँ पर डबल आई कैट्स लगे हुए हैं, सेंटर में आई कैट्स, RTO पासिंग के हिसाब से हमने सारा काम किया हुआ है। मां के लिए गाड़ी का इंजन नीचे है, उसके ऊपर कैबिन बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग गाड़ी की होती है कैबिन में, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सेंटर तिली लगाई ताकि बाहर की हवा गाड़ी जब रोड पर चलेगी तो अंदर ड्राइवर साइड और कंडक्टर साइड दोनों साइड आपको मिल सके। हैंडमेड हैंडल्स यहाँ पर हम आपको साथ में बना कर देंगे और यहीं पर आ जाता है मेन काम वाइपर मशीन का। वाइपर मशीन हम नीचे फिट कर देते हैं, जैसे ही गाड़ी आप मशीन रोकेंगे नीचे फिट होगी, नीचे की तरफ ब्लेड रुकेंगे, सेंटर में या साइड पर ब्लेड नहीं रुकेंगे। और साथ में वाटर जेट्स का हम बहुत ही बाखूबी ढंग से यहाँ पर किया हुआ है। मेन बात आई यहाँ पर खंडे देखते हो, 2 इंची पाइप के स्टील हैवी खंडे, जयपुरी स्टैंड प्लस यहाँ पर TV शीशे, जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं गाड़ी के वो पूरे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो ड्राइवर की रीच मेरे तक दोनों साइड से आ रही है। यहीं पर बात कर ले शो पेंट, यहाँ पर हमने वाइट रखा है, यहाँ पर ग्रिल को हमने पेंट दे दिया और सामने मूछ का डिज़ाइन, बम्पर फट्टी और बम्पर को यहाँ पर नया लुक। साथ में जो हेडलाइट्स है कंपनी मेड हेडलाइट्स हैं, उसको कवर करने के लिए यहाँ पर सरिये के साथ हमने हैवी यहाँ पर जाला बनाया हुआ है। साथ ही में यहाँ पर हमने डबल हेडलाइट्स हेलोजन बल्ब के साथ LED वाली हमने साथ में लगाई है। 6 पाइप का यहाँ पर गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है, जट जमला पगला दीवाना वाला। गाड़ी का आप नंबर यहाँ पर नीचे चेक कर सकते हो, VR06GE0786। इनकी पहले भी हमारे पास गाड़ी बनी है, उसका गाड़ी का नंबर था VR06PF0786, ये दूसरी गाड़ी है। नीचे यहाँ पर सारा ही काम, हैवी काम यहाँ पर हुआ है। रही बात गाड़ी के साइड कैबिन की, इंटीरियर अंदर का मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। साइड कैबिन की बात करें तो ऊपर टूल बॉक्स देख सकते हो, स्टील टूल बॉक्स बना हुआ है और साथ में यहाँ पर हैवी काम है, हाफ स्टील में हुआ है सारा काम। यहाँ तक ही आपको पेंट काम मिलेगा, बाकी सारा स्टील का काम है। यहाँ पर स्टील हाफ स्टील लगी हुई है, तो जो भी यहाँ पर हैंडल्स हैं वो सारे यहाँ पर नट बोल्ट के द्वारा लगाए गए हैं। मेन काम है कब्जे, कई बार खिड़की का अप एंड डाउन हो जाती है तो यहाँ पर हैवी कब्जे हमने यहाँ पर खिड़की पर लगाए हुए हैं। जो भी यहाँ पर मिरर्स हैं एल्युमिनियम स्टील का काम है, एल्युमिनियम का यहाँ पर 5 इंची गोला, जेड का यहाँ पर गोल्डन डिज़ाइन, स्क्रूज का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया हुआ है। 5 चद्दर नो जॉइंट के साथ सेम मडगार्ड सेट और साथ में यहाँ पर पायदान अलग से बनाया हुआ है, टाटा के द्वारा यहाँ पर लगाया था। BS6 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो गाड़ी में यहाँ पर मिट्टी वगैरह लगती है तो उसके लिए हमने दोनों ही साइड यहाँ पर मैट का काम हमने आपको पहले ही करवा कर देना है। जो गाड़ी में अगर हम व्हील कैप्स की बात करें, ये कस्टमर के द्वारा रहते हैं, स्टील के, लोहे के या फाइबर के, तीनों मॉडल हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, अगर आप लगवाना चाहते हो लग जाएंगे। बॉडी में सबसे मेन जरूरी होते हैं जो गाड़ी में हमने क्रॉस मेंबर्स लाए हैं, जो गाड़ी में यहाँ पर बीम लगे हुए हैं, 13 बीम गाड़ी में यहाँ पर 33.5 फिट में लगे हुए हैं। और रही बात 5 एंगल हमने यहाँ पर डबल किए, सेल का एंगल लगा हुआ 65 mm, 6 mm का 9 इंची के जो बीम है
उस पर मेन बात आ जा रही है जो फर्श लगा हुआ है। फर्श हमने इस गाड़ी में साल का फर्श लगा हुआ है 1.5 इंची, क्योंकि साल का फर्श 33.5 फीट लंबा नहीं आता, तो ज्वाइंट डाला हुआ है, क्योंकि साल का फर्श 30 फीट तक ही हमको मिलता है, उसके बाद आगे हमने यहाँ पर ज्वाइंट डाला हुआ है। यहीं पर बात करें बेल्ट के लिए, हमने यहाँ पर कुंडे लगाए हुए हैं, ऊपर बॉडी पर भी देख सकते हो आप कुंडी मिलेगी आपको, ऊपर लर्फ पर भी कुंडी मिलेगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर यू चैनल बनाया हुआ है 75 mm का, और साथ में ऊपर डी पाइप लगाया हुआ है, हैवी काम किया हुआ है। मेन बात आ रही है 33.5 फीट की जो लंबाई है उसको ऊपर से यहाँ पर कवर करने के लिए यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर 8 बत्ते हमने यहाँ पर ऊपर दिए हैं 5 इंची वाले। यहीं पर जैसे कई बार गाड़ी बालू गिट्टी पर मोरन पर चलती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हो हमने पार्चे लगाए हुए हैं, उसको आप होल्ड और अनहोल्ड आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। दोनों ही साइड यहाँ पर गाड़ी की बॉडी में हमने खिड़की लगाई हुई है, यहाँ पर देखो खिड़की गया, ये आ गया जी गाड़ी का फर्श, देख सकते हो आप यहाँ पर हमने जॉइंट डाला है, और साथ में यहाँ पर देखो बैक में आपको 3 चैनल की स्पोर्ट, हैवी चैनल की, प्लस यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ पर लरों पर देखो कुंडे लगे हुए हैं, क्योंकि ये गाड़ी कई बार एनिमल्स पर चलती है, गाय भैंस वगैरह लेकर जाती है एक से अनदर जगह, तो वहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर होल्ड कर पाए, तो यहाँ पर हम कुंडे भी आपको यहाँ पर साथ में ही लगा कर देंगे। और रही बात इस गाड़ी में यहाँ पर जो चादर है बॉडी की, 10 गेज की शीट लगी हुई है 5 फिट वाली, अगर आप 4 फिट लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहती है। यहीं पर बात करें यहाँ पर दिल्ली जाला भी यहाँ पर साथ में बना हुआ है कनेक्टर साइड पर, और मेन बात आ जा रही है जैसे यहाँ पर देखते हो रकाबों का काम, यहाँ पर देखते हो हरे रंग की जो रकाबे, यू क्लैंपिंग का हैवी नट बोल्ट के काम, अगर आप ताना राड भी लगवाना चाहते हो वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं, वो एक्स्ट्रा लगे हैं। इस गाड़ी में 5 ताना राड लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो जय गाड़ी यहाँ पर नदी खेत में या फंस जाती है तो जैक लगाना पड़ता है, जैक के लिए भी हमने यहाँ पर चैनल लगाया हुआ हैवी चैनल यहाँ से लेकर वहाँ तक ड्राइवर साइड तक, और साथ में बोल्ट का काम हैवी किया हुआ है ताकि गाड़ी का बिल्कुल भी बॉडी खिसके ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। मेन बात आ जा रही है जो यहाँ पर पीछे में हमने 4 बीम यहाँ पर डाले, जो गाड़ी की जो चेसिस थी वो यहाँ तक थी, उसके बाद हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया 1.5 फीट, 32 फीट की ये गाड़ी थी, और साथ में इंडिकेटर लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, ब्रेक लाइट्स आपको पीछे में भी और सेंटर में हम आपको लगा कर देंगे। यहीं पर देख सकते हो जो चेसिस एक्सटेंड हुई है उसमें हमने यहाँ पर अंदर में यहाँ पर क्रॉस मेंबर लगाया हुआ, क्रॉस मेंबर के यहाँ पर बोल्टिंग का काम आप यहाँ पर देख सकते हो, पत्ती का काम, प्लस यहाँ पर आपको संगली सीकर का काम आपको यहाँ पर हम साथ में करवा कर देंगे। गाड़ी में जो भी यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखते हो क्रॉस बना हुआ है, फरारी क्रॉस पीछे से और आगे से यहाँ पर एप्पल क्रॉस, 42 इंच गाड़ी का यहाँ पर बैक में हमने डाला बनाया हुआ है, 2 इंच एंगल फ्रेम, डबलिंग का काम साइडों से भी और सेंटर से भी किया हुआ है, 5 mm की प्लेट पीछे में बत्ते पर लगाई हुई है ताकि बत्ते में भी बहुत ज़्यादा सुराख हो जाते हैं तो बत्ता कमज़ोर ना हो, तो उसके लिए प्लेट लगा दिया है, 10 mm की प्लेट पीछे चेसिस में लगा दिया है, और फिक्स जाली यहाँ पर हम नहीं बनाते क्योंकि मूवेबल जाली का क्या काम रहता है, जब गाड़ी जब हम पीछे लगती है तो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर पीछे बैक हो जाती है, अगर आप फिक्स करवाना चाहते हो तो फिक्स भी हमारे द्वारा बनाई जाती हैं। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर्ड बाय गिल ट्रक बॉडी, जो हमारी वर्कशॉप है वो पंजाब में पड़ती है, गिल ट्रक बॉडी समाना, यहाँ पर अभी हम पंप पर गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं, सामने आप देख सकते हो वर्कशॉप का सामने बिल्कुल आपको रिव्यू देख सकते हो, गिल ट्रक बॉडी की बिल्डर की बिल्कुल सामने वर्कशॉप है, दिल्ली और दिल्ली वाला पटियाला वाला GT रोड है ये। और रही बात यहाँ पर जो डाला है उसमें हमने रेडियम काम बखूबी ढंग से यहाँ पर किया हुआ है, जो लकड़ी काम है उस पर हमने यहाँ पर पत्ती लगाई हुई है ताकि यहाँ पर बोल्टिंग का जब भी डाला नीचे गिरे तो आसानी से आप यहाँ पर डाले कोई नुकसान ना हो, बत्ते को कोई नुकसान ना हो। ऊपर खोलने सहायता खोलने के लिए यहाँ पर हमने डबल संगल डाले को ऊपर भी दिया हुआ है, सेंटर में दिया हुआ है ताकि कई बार ऊपर वाला संगल खोलते एकदम से डाला नीचे आता है तो कंट्रोल में ही नहीं आता, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए भी हमने डबल संगल लगाया हुआ है। ऊपर की फट्टे की बात करें तो यहाँ पर देखते हो ऊपर 4 फट्टे हमने लकड़ी के बनाए हैं, लोहे के बनाने हैं तो लोहे के भी बन जाते हैं यहाँ पर देख सकते हो, और साथ ही में यहाँ पर दिल्ली जाला यहाँ पर साइडों पर भी बहुत ही सुंदर ढंग से हमने तैयार किया हुआ है, गिल ट्रक बॉडी का यहाँ पर मार्का रहता है, YouTube, Facebook और Instagram पर भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप जाकर हमें जरूर फॉलो करें। यहीं पर बात करें अगर ड्राइवर साइड की, ड्राइवर साइड में भी आपको सेम है, पेंट का काम ACCCO यहाँ पर दे सकते हो, और साथ में लरों का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ हमने यहाँ पर गाड़ी तैयार है, जो गाड़ी यहाँ पर तैयार करते हैं तो बहुत ही बखूबी ढंग से हम एक एक पॉइंट का
बॉडी का काम हो, कैबिन का काम हो, लकड़ी का काम हो, पेंट का काम हो, सीट, रेडियम, हर एक काम को हम बखूबी ढंग से यहाँ पर करते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे यहाँ पर BS6 में आजकल डीजल चोरी हो जाता है तो ढक्कन है प्लास्टिक का दिया हुआ है, तो आसानी से यहाँ पर पेचकस के साथ उठा, उसके लिए भी यहाँ पर हमने बैंडिंग का काम किया है, पत्ती लगाई हुई है ऊपर से हैवी, ताकि ये ढक्कन ऊपर ही ना उठ पाए, और जो टाटा का यहाँ पर लॉक आता है वो भी हमने यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद जहाँ पर जो नट बोल्ट हमने डाला है यहाँ पर आप अपना खुद का चाबी लॉक वाला लगा सकते हो, ऊपर से भी यहाँ पर ओपनेबल हमने यहाँ पर दे दिया। साथ ही में यहाँ पर DF टैंक है, DF टैंक को भरने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, एक को बाल्टी पकड़ कर रखनी पड़ती है, दूसरे को डालनी पड़ती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुंडी लगा दी, बाल्टी आप कुंडी पर लगाइए, आराम से यहाँ पर DF टैंक भर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और रही बात जब हम कैबिन और बॉडी का जो जॉइंट करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, यहाँ पर 5 mm का प्लेट का कोना लगा हुआ है ताकि हैवी काम यहाँ पर गिल ट्रक बॉडी बिल्डर को मिले। और रही बात 10 साल की यहाँ पर गाड़ी की बॉडी की गारंटी मैं देता हूँ, और अंदर में जो इंटीरियर वर्क किया हुआ है उसका यहाँ पर मैं सारा ही आपको काम यहाँ पर दिखाता हूँ। 3D डिज़ाइन ट्राला आपको टिकट के मिलेगा, और इंस्पेक्टर के लॉक यहाँ पर देखते हो, और यहीं पर आपको लंबी चाबी वाला लॉक, हर एक काम, और इंटीरियर में आपको सारा ही काम आपको एक बार हम दिखाते हैं। कैबिन के इंटीरियर लुक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर देखते हो, जो गाड़ी में जो सनमाइका लगा हुआ है 3D नेचुरल कलर का, यहाँ पर सनमाइका बिल्कुल लेटेस्ट आज की डेट में सबसे पहले गिल ट्रक बॉडी बिल्डर के पास सनमाइका है। यहीं पर पीछे 3D डिज़ाइन ट्राला लगा हुआ है, और साथ में कपड़े वगैरह टांगने के लिए पाइप्स वगैरह, और यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर छत का हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स में साइडों पर हमने 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं 10 इंची के, और जब बॉक्स हम खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप शॉकर सिस्टम रहता है ऊपर की तरफ, आसानी से यहाँ पर आप शॉकर से पीठ के बल नहीं आएगा शॉकर आपका, ढक्कन जो लॉक्स लगे हैं उसकी 2 चाबियाँ आपको यहाँ पर साथ में हम आपको लगा कर ही देंगे। यहाँ पर देते हो आप जो स्टिकर्स हैं और जो LED लाइट्स का काम है वो सारा ही आपको गिल ट्रक बॉडी बिल्डर पर रहेगा। पंखा प्रेशर यहाँ पर देते हो, मोबाइल चार्जर ऑल आउट वगैरह इससे आप लगा सकते हो, सीट बेल्ट्स। सीट्स की बात करें तो 5 इंची गद्दे के यहाँ पर सीट्स बनी हुई हैं। जो गाड़ी में जो बैटरीज हैं वो हमने अंदर कर दी हैं, वो भी आपको यहाँ पर हम जाते हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से की हैं, सेफ्टी के लिहाज से भी, और यहाँ पर अच्छी पैकिंग के साथ स्विच साथ में लगाई हुई है। और रही बात आगे यहाँ पर ग्रीन ग्रास की यहाँ पर बैजिंग हुई है, जो भी सामान वगैरह यहाँ पर आप इजीली रख सकते हो, यहाँ पर मैग्नेटिक बॉक्सेस यहाँ पर रहते हैं, म्यूजिक सिस्टम सामने लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर भी देख सकते हो आप हैवी काम यहाँ पर आपको गिल ट्रक बॉडी बिल्डर पर मिलेगा। और साथ ही में प्रेशर हॉर्न की बात करें, यट यमला पगला दीवाना यहाँ पर आपको टोन्स वाला प्रेशर हॉर्न मिल जाएगा। सामने की तरफ सनवाइजर के तौर पर यहाँ पर मिरर रहेंगे, उसमें आप फेस वगैरह भी अपना देख सकते हो। डेकोरेशन का बात करें तो यहाँ पर डेकोरेशन छत की बहुत ही बखूबी ढंग से हुई हुई है, लाइटिंग काम कंट्रोल्स आप यहाँ से आसानी से यहाँ पर सभी लाइट्स कंट्रोल कर सकते हो। और साथ में जो भी यहाँ पर स्क्रूज़ का काम हुआ हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी स्क्रूज़ का काम किया हुआ है, नट बोल्ट का यहाँ पर देख सकते हो, लॉक्स लगे हुए हैं। और मेन बात आ रही है सामने यहाँ पर मंदिर, विश्वकर्मा भगवान जी का यहाँ पर सामने मंदिर बना हुआ है, अगरबत्ती करने के लिए गिलास भी रखा हुआ है। ये सारा काम है वो गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स का रहता है। अगर आपको ऐसा ही काम हमारे द्वारा करवाना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो, 9041144223 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।